सॉरी सर अभी नहीं सुना। सना नहीं मतलब मतलब अलहमदों की सूरत सुबहान सुबहाना की सूरत कुलहु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा है। सामने दोस्तों अब मैं आपको अभी एक क्लिप सुनाता हूँ। सीमा जो लड़की इंडिया में भाग के गई है तो आपने वो देख के सुन के बताना है कि क्या ये पहले मुसलमान थी जो उसने हिंदू मजहब कबूल किया है या कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक और साजिश है। क्योंकि इंडिया में तो बंदा गैर कानूनी पाकिस्तानी चला जाए और जनाब वहाँ पर चला जाए और चंद दिन जेल में रह के बाहर आए और बाहर उसको इतना प्रोटोकॉल मिले पूरा मीडिया उसको सर पे उठा ले और जनाब बड़े बड़े मालदार लोग आ रहे हैं उनको उसको तसल्लियाँ दे रहे हैं हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे खिदमत करेंगे जितना पैसा चाहिए पैसा देंगे अपने कार्ड दे के जा रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं हुकूमती सरपरस्ती है ऊपर मीडिया की फुल सपोर्ट है। तो अब वो जो लड़की है जो सीमा है वो तो शेर बन गई है। तो वैसे जितने भी आज तक इंडिया में कोई वो गलती से किसी ने सरहद पार की है कश्मीर की तरफ से ये वाघा बॉर्डर की तरफ से सियालकोट की तरफ से चाहे वो औरत होती है चाहे वो मर्द होता है उसको इबरतनाक सज़ा देते हैं तो यहाँ पर तो बड़ा प्यार चल रहा है। तो ये अब सारा वो बात सुने सीमा की कि वो इस्लाम के बारे में चंद सवालात किए हैं तो वो जवाब नहीं दे सकी आप खुद सुने सुन के आपने कमेंट में बताना है कि यार ये क्या माजरा है। हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी या फिर करवा चौथ रखती थी। या सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर अभी नहीं। सना नहीं मतलब मतलब अलहमदों की सूरत सुबहान सुबहाना की सूरत कुलहु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना मेरे दिमाग में। हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे याद है कि मैं मार्च से लेकर जैसे नमाज पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल फजर में दो होती हैं। फजर में चार होती हैं दो सुन्नत दो फर्ज। सुन्नत की नहीं मैं फर्ज की बता रही हूँ। अच्छा जौहर जौहर में कितनी होती हैं? जौहर में चार। चार सुन्नत चार फर्ज दो सुन्नत दो नफिल बारह होती हैं। आप लोग पढ़ते हो हम नमाजें पांच जानते हैं थे। अच्छा पांच नमाज होती हैं सात होती हैं? पांच होती हैं फजर ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं इसका नहीं पता। अच्छा बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसे आपने अपनाया तो